अल्लामा इकबाल, मैं अर्ज कर चुका हूं कि इनकी इब्तदाई तालीम में और खानदानी पस मंजर के अंदर मजहबी असरात बड़े गहरे थे। बहरहाल इन्होंने एमए किया है गालिबन 1897 में, और उस वक्त का कुछ इकबाल जो है, उस वक्त से लेकर 1905 तक का इकबाल, एक तरफ तो उसमें भी नेशनलिज्म था, हिंदी नेशनलिज्म, ये नोट कर लीजिए। चुनाचे उसी दौर का उसका तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज भी जो हिंदुस्तान का रेडियो है और हिंदुस्तान में हुकूमत के जेर एहतमाम इस तराने की जो है वो बड़ी सरपरस्ती होती है, बहुत इसको जो है नशर किया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। बल्कि इस जमाने में एक ऐसा शेर भी उन्होंने कहा है जिसकी कि फिर शदीद तरीन नफी बाद में उनके अशार से हुई है। उन्होंने एक नया शवाला के नाम से जो नज़्म लिखी कि सच कह दूं ऐ ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। उसी में एक शेर है कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। इस दर्जे गहरा इंडियन नेशनलिज्म इकबाल के अंदर भी मौजूद था। लेकिन जब इकबाल इंग्लिस्तान गए हैं, ये 28 बरस की उम्र में इंग्लिस्तान गए हैं सन 1905 में, और 3 साल वहां रहे इंग्लिस्तान और जर्मनी, और बैरिस्ट्री भी की, और चूंकि फलसफी थे पीएचडी भी करके आए। इस अरसे में मालूम होता है कि इकबाल की कल्ब माहियत हो गई। ये मेरा एक तजर्बा है, बड़ा पुराना है, मेरा मुशाहदा था। 1970 में पहली मरतबा मैं इंग्लिस्तान गया था, मेरे छोटे भाई वहां जेर तालीम थे, उन्होंने बुलाया था। वहां मैंने देखा कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले एक एक पीएचडी, दो दो पीएचडी करते हुए लोग बैठते हैं, जुमे के रोज कुरान पढ़ते हैं, दरसे कुरान होता है, और वो एक दूसरे से कुरान पढ़ के सुनते भी हैं ताकि जो तजवीद की गलतियां हों उनकी तसहीह हो सके। और मैंने सोचा कि पाकिस्तान में इस सतह के लोग जो हैं कभी इस किस्म की मसरूफियत में मुबतला मुझे तो नजर नहीं आए। तो उसका मुझे एक असल में तजिया मेरा यह था कि जिन लोगों की बुनियादी तरबियत में और खानदानी असरात में मजहब का एलिमेंट मौजूद होता है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हुए वो ज्यादा जाहिर ना हो, नुमाया ना हो, उसके आसार सामने ना आए, लेकिन जब वो एक मुखालिफ माहौल में पहुंचते हैं, उस मुखालिफ माहौल में उनके अंदर का वो चिंगारी उनकी जो है वो शोला बनकर भड़कती है। चुनांचे ये मामला मैंने फिर बाद में अमेरिका में भी देखा, हर जगह देखा है कि वहां दो नतीजे होते हैं, या तो ये कि एक आदमी डाउन द ड्रेन गया, तो वहां की तहजीब में रगा गया शराब और ये और वो और रक्स और सब ये सारी चीजें आ गई, और या फिर जो बच गया जिसके अंदर दीन का कोई हमीयत का शायबा था वो फिर भड़कता है, फिर वो एक्टिविस्ट होते हैं, वो काम करते हैं। लिहाजा ये मामला जो है अल्लामा इकबाल के साथ पेश आया, और खुद उन्होंने कहा भी है मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। वहां से जब ये वापस आए हैं तो अब नोट कीजिए, 1908 से 1930 तक ये जो 22 बरस हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या किया नोट कीजिए, वो आप जानते भी हैं, मैं सिर्फ गिनवा रहा हूं। इस्लाम के निजाम फिक्र और फलसफा और हिकमत को बयान किया, अपनी शायरी के जरिए से भी, अपनी नसर के जरिए से भी। कुरान की एक निहायत जदीद और बहुत उम्दा तफसीर, अगरचे तफसीर के नाम से आपको कहीं तफसीर इकबाल नहीं मिलेगी, लेकिन कलाम इकबाल खुद तफसीर है। वो दावा करता है कि मेरे पैगाम में सिवाय कुरान के और कुछ नहीं है। गर दिलम आई नए बेजौहरस्त, वर्ब हरफम गैर कुरान मुजमरस्त, पर्दा नामू से फिक्रम चाक कुन, ई खियाबा राज खारम पाक कुन। ये मुनाजात बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अगर मेरे पैगाम में कहीं कुरान के सिवा कोई शय शामिल हो गई है मेरी शायरी में, तो आप मेरे फिक्र का पर्दा चाक कर दीजिए। रोजे महशर खार और रुस्वा कुन मरा, और कयामत के दिन मुझे जलील और खार कीजिएगा, और बेनसीब अज़ बोसाए पाक कुन मरा,
और मुझे अपनी कदम बोसी से महरूम कर दीजिएगा। यह बात कह रहा है, उसका दावा है, उसने जो कुछ कहा कुरान से कहा। उसकी शायरी जो है मेरे नजदीक, और मैंने तो अपनी जो सोर्सेज गिनवाई हैं कि मैंने जो कुरान मजीद का फिक्र या सोच, जो भी आप उसे कहें, जो थोड़ा बहुत मुझे मयसर हुआ है, उनमें मैंने 8 अशखास को नुमाया तौर पर बयान किया है। 4 ये हैं, 2-2 के जोड़े, 2 अबवैन हैं, अबुल कलाम अबुल आला, अबुल आला मौदूदी, अबुल कलाम आजाद। 2 दक्तरैन हैं, डॉक्टर इकबाल डॉक्टर रफीउद्दीन। 2 शेखैन हैं, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, जिनका तर्जुमा है कुरान मजीद का, और उस पर हवाशी है शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी की। 2 ही ऐन मौलाना फराही और मौलाना इस्लाही, जिन्होंने कुरान मजीद के मजामीन के अंदर जो अंदरूनी नज्म है उसे वाज़ेह किया। अल्लामा इकबाल मेरी एक बहुत बड़ी सोर्स है, बल्कि सबसे ज्यादा गहरा असर मुझ पर जो है बचपन से जो हुआ है वो तो अल्लामा इकबाल का है। 5वीं जमात का तालिब इल्म था जब उनका यह शेर मेरे जहन में कहीं चिपक कर रह गया है, जवाब शिकवा का, वो जमाने में मुअज्जज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीख़ कुरा होकर। फिर अल्लामा इकबाल ने मगरबी फिक्र पर शदीद तनकीद की, बहुत बड़ा नाकिद, और खास तौर पर मगरबी तहजीब जो है उसकी नफी की। यह सारा काम किया और इस सब से बढ़कर वो तजदीद मिल्लत इस्लामी का आलमबरदार बरकत सामने आया। उसने खुशखबरी दी कि दुनिया में इस्लाम के गलबे का दौर आने वाला है। मिल्लत इस्लामिया जो इस वक्त दबी हुई है, पिसी हुई है, पूरी दुनिया में पामाल है। आपको मालूम है कि पहली जंग अजीम के बाद क्या सूरत हो गई थी, सल्तनत उस्मानिया के जब धज्जियां बखेर दी गई और कॉलोनियल इंपीरियलिज्म जो है पूरे आलम इस्लाम पर हुक्मरान था, पूरा आलम इस्लाम जो है महकूम। अगरचे ये दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, गिरे हुए, लेकिन इनका दोबारा गलबा होगा, ये उभरेंगे, मिल्लत इस्लामिया की तजदीद होगी, इस्लाम की नशत सानिया होगी, इस्लाम के रोशन मुस्तकबिल के मुबशिर बनकर अल्लामा इकबाल सामने आए। और एक और जो बहुत बड़ा काम किया वो वही वतनी कौमियत की शदीद नफी, बल्कि शदीद का लफ्ज भी काफी नहीं है, शदीद तरीन नफी की है। इसलिए कि उस वक्त वतनी कौमियत जो है उस वक्त मुसलमानों को अपने अंदर एनगल्फ करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ जोर लगा रही थी। मैंने अल्लामा इकबाल के हवाले से जो बातें की हैं कि इहया फिक्र इस्लामी और तजदीद मिल्लत इस्लामी, उसके साथ साथ हिंदुओं में क्या हो रहा था इस दौर में, उनके यहां भी उनकी मजहबी तजदीद का अमल बड़ी शिद्दत के साथ शुरू हुआ। इसमें भी चंद नामों का मैं तस्करा करना चाहूंगा। बंकम चटर्जी, इसने बंदे मातरम का ये जो तराना है आज भी भारत के अंदर मजबूर किया जा रहा है मुसलमानों को भी कि वो भी स्कूलों के अंदर ये तराना पढ़ें, और अभी मुसलमान रिजिस्ट कर रहे हैं। इसमें वो जमीन की बंदगी, भारत माता हम तेरे बंदे हैं, और ये जो है हिंदू रिनाइसेंस का एक बहुत बड़ा जो है यूं समझिए कि आलमबरदार। फिर दूसरी शख्सियत सामने आई, राजा राम मोहन। ये शख्स बहुत बड़ा फाजिल, बड़ा आलिम, 10 के करीब जबाने जो है उनका माहिर, जिसमें यूरोपियंस भी और ईस्टर्न भी। फिर यह कि यह मुसलमानों का हमदर्द बनकर आया। अंग्रेज ने जब यहां पर उनके पादरियों ने तसलीस की तलकीन शुरू की है तो आईना तौहीद के नाम से इसने किताबचा लिखा उसकी नफी के लिए। इस हवाले से यह कुछ ऐसी शख्सियत बनने की कोशिश कर रहा था कि मुसलमान भी उसको कबूल करें, और उसके बाद फिर उसने ब्रह्म समाज के नाम से एक इदारा कायम किया। यह वही था कि जो इससे पहले अकबर ने जो फलसफा दिया था दीन इलाही, भाई अल्लाह का मामला करो, सिर्फ अल्लाह को सब मानते हैं, सिर्फ नाम है मुख्तलिफ है, किसी ने कोई नाम रख दिया, कोई महादेव कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई गॉड कहता है, सब खुदा को तो सब मानते हैं। ये जो रिसालत का मामला है और शरीयत का मामला है ये फसाद की जड़ है। रिसालत की बुनियाद पर शरीयतें मुख्तलिफ, इबादतें मुख्तलिफ, जरा इसको पीछे डालो तो दीन अकबर या दीन इलाही उसका नाम था। उसके अंदर भी दर हकीकत कोशिश यह थी कि तमाम मजाहिब को एक हावन दस्ते में डाल के और उसको कूट के और छान पीस के एक सफू बनाकर एक कॉमन मजहब हिंदुस्तान का वजूद में लाया जाए।
बहरहाल उस वक्त अल्लाह ताला ने खड़ा किया है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह को कि जिन्होंने इस फितने की सरकोबी की। इसने भी मजलिस एसडी के नाम से ऐसा ही इदारा शुरू किया और यह गोया कि ठंडी छुरी के मानिंद, इसलिए कि इस्लाम का दारो मदार तो रिसालत पर है। बकौल इकबाल, ब मुस्तफा बे रसाखी इशराक दी हमाउस्त, अगर बऊल रसीदी तमाम बूल आबीस्त। इस्लाम का तो सारा मामला, दीन जो है उसका सारा जो मदार दारो मदार है वो रिसालत पर है, नबूवत पर है, उसी पर शरीयत का सारा दारो मदार है। रिसालत से काट दीजिए, हदीस से काट दीजिए, सुन्नत से काट दीजिए, तो फिर कुरान को फिर मोम की नाक बनाकर जो चाहे आप ताबीर कर लें, जो चाहे तशरीह कर लें, जिधर चाहे उसे मोम की नाक की तरह बोर्ड कर ले जाए। बहरहाल इस मामले में भी फिर एक तीसरी तहरीक जो शुरू हुई वो बहुत मिलिटेंट थी, आर्या समाज, दयानंद सरस्वती ने, यह मिलिटेंट थी और बड़ी इसकी जो है पजीराई हुई हिंदू माशरे में। इन्होंने खुलकर यह कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, लिहाजा या हिंदू हो जाए मुसलमान और या फिर यहां से हिजरत कर जाए। खुलकर आर्या समाज, उसी के तहत फिर महासभा बनी, उसी के तहत आरएसएस, इंतहाई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हिंदुओं की, ये सब जो है दयानंद सरस्वती का। ये इसी तरीके से फिर शुद्धि की तहरीक शुरू हो चुकी थी, रिक्लेम करो मुसलमानों को। यह हम ही में से थे, इनके आबाओ अजदाद कहीं जो है मुसलमान हो गए, इन्हें वापस लो। चुनाचे राजस्थान के इलाके में जहां बड़ी जहालत थी, मुसलमानों में इल्म नहीं था, बस कहीं बुजुर्गों के किसी जेर असर फैज से किसी सूफी के, वो इस्लाम तो ले आए लेकिन तरबियत का कोई इंतजाम हुआ ही नहीं, मुसलमान हुकूमतों ने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो नतीजा ये निकला कि बड़े पैमाने पर शुद्धि की तहरीक हो रही थी। मेवात के इलाके में बड़ी तेजी के साथ मुसलमान जो मेव थे वो हिंदू हो रहे थे। उसी पर तहरीक उठाई है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, उनको उनका मुकाबला करने के लिए, उस तहरीक का, उस शुद्धि की तहरीक का मुकाबला करने के लिए ये तबलीगी जमात का निजाम बनाया था कि बस छह बातें लो और जाओ देहात में, जाओ चने लेकर, गुड़ लेकर जाओ, किसी का खाना ना खाओ, अपना खाना खाओ, कोई तनख्वाह नहीं और दीन की तबलीग करो। ये निजाम उनका दर हकीकत इसी शुद्धि की तहरीक के जवाब में शुरू हुआ। फिर संतन की तहरीक शुरू हुई कि हिंदुओं को सबको जमा कर लिया जाए। अब इस एतबार से जरा नोट कीजिए, अल्लामा इकबाल ने जो नफी फिर वतनियत की है, इत्तेफाक से यहां ये अशआर लिखे हुए हैं, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविशे लुत्फो सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन। अब जरा कल्बे माहियत का अंदाजा कीजिए, वही शख्स जो कह रहा था कि खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, वो आज इस वतन को एक सबसे बड़ा बुत करार देकर और उसका कला कमा करने के लिए किस कदर जोरदार अल्फाज जो है, और यही दूसरी तरफ ये बुत के तराशीदा तहजीब नवी है। ये जो नेशन स्टेट का तस्वुर है, ये 18वीं सदी से यूरोप में शुरू हुआ, नेशन स्टेट, एक मुल्क में रहने वाले सब शहरी हैं, बराबर हैं, और उनके अंदर मजहब का इख्तलाफ हो ये उसका कोई हैसियत नहीं, मजहब तो प्राइवेट मामला है। हाँ, जो सरकारी सतह पर होगा मामला, इज्तिमाई मामला जो है वो किसी मजहब से तय नहीं होंगे। ये नेशन स्टेट का तस्वुर, ये बुत के तराशीदा तहजीब नवी है, गारत गरे काशाना दीने नबवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफावी है, न जारा देरी न जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफावी खाक में इस बुत को मिला दे। इससे भी ज्यादा मुझे मिला है एक उनके तख्ता जो है, मंजिले राह रवान दूर भी दुश्वार भी है, कोई इस काफले में काफला सालार भी है, बढ़ के खैबर से है ये मारका दीनो वतन, खैबर गजवाए खैबर, गजवाए खैबर से कहीं बढ़कर ये दीनो वतन का मारका, कि हमारे नजदीक हमारी कौमियत की बुनियाद हमारा दीन। आज दुनिया ये कहती है कि कौमियत की बुनियाद वतन है, ये जो मारका दीनो वतन है, बढ़ के खैबर से है ये मारका दीनो वतन, इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है,
तो वाकया यह है कि अल्लामा इकबाल ने इस सिलसिले में वो रोल भी प्ले किया कि जो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन अकबरी का कला कबा करने में अदा किया था, और इसमें कोई शक नहीं है। इस एतबार से मैं कहा करता हूं कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के बुरूज की हैसियत रखते हैं अल्लामा इकबाल, और उनको जो गहरी निस्बत थी। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहत पर, वो खाक के है जेर फलक मतलब अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां। मिल्लत का सरमाया तो सारा का सारा जो है ईमान पर रिसालत से। आप हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के खतूत पढ़िए, सबसे ज्यादा जोर इताअत रसूल, इताअत रसूल, इताअत रसूल, इताअत रसूल। जिसकी जड़ काटने की कोशिश की थी दीन इलाही के जरिए से अकबर ने, उसको दोबारा मुस्तकम किया है वो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने। अब आइए 1930 का माह दिसंबर, इसमें एक बात हम देख चुके, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान हिंदुस्तान की सियासत से मायूस होकर मुल्क छोड़कर इंग्लिस्तान में जाकर आबाद हो चुके। और इस ज़मन में एक वाकया मैं आपको सुना दूं, एस एम इकराम साहब का नाम बहुत से हजरात के इल्म में होगा, उनकी तीन किताबें जो है बड़ी मार्केट ला रहा हैं, आबे कौसर, मौजे कौसर, रौजे कौसर। इदारा सकाफत इस्लामिया के डायरेक्टर रहे बहुत अरसे तक, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। वो ऑक्सफर्ड में पढ़ते थे उस जमाने में, वो लंदन गए, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब से मुलाकात की और कहा कि आप क्यों छोड़कर आ गए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपकी रहनुमाई की जरूरत है। तो जवाब जो था मोहम्मद अली जिन्ना का वो नोट करने के काबिल है, हिंदूज आर इनकॉरिजिबल। ये है जो नतीजा निकाला था मोहम्मद अली जिन्ना ने, यूं समझिए कि 24 बरस की मेहनत शाख्ता कि कोई इत्तेहाद का फार्मूला तय हो जाए, कोई बुनियाद हो जाए, कोई हमारे माबैन मुत्तफ़क़ अलैह स्कीम तय बन जाए, लेकिन जिस दर्जे मायूस हुआ है शख्स, हिंदूज आर इनकॉरिजिबल, ये नाकाबिल इस्लाह है। और मुसलमानों का हाल यह है कि उनका एक लीडर जो बात मुझसे करता है सुबह को वह शाम को डिप्टी कमिश्नर को बता देता है, तो अब मैं ऐसी कौम की रहनुमाई कैसे करूं। तो यह मैंने आपको यह वाकया भी सुना दिया कि वो मायूसी का आलम क्या था। लेकिन अब जो है 1930 में, जबकि मुस्लिम इंडिया का एक सूरज तो गुरूब हो गया था, मगरिब में जाकर बैठ गया, मगरिब में सूरज गुरूब होता है, एम ए जिना तो वहां बैठ गए, एक सूरज अब तुलू हुआ है मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर, यह है अल्लामा इकबाल। 1930 का जो उनका खुतबा है इलाहाबाद का, वो बहुत अहम, बहुत अहम, बहुत अहम। एक तो यह कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए से वतनियत की जो नफी की थी और मुस्लिम कौमियत का जो इस बात किया था, उसे एक फलसफियाना अंदाज में, सोशियोलॉजी उमरानियात के मुसलमा उसूलों की रोशनी में जिस तरीके से मुदल्लल बयान किया है, इस एतबार से वो एक बहुत कीमती दस्तावेज है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक तजवीज पेश की, वो और यूं भी कहिए कि एक पेशेंगोई की। वो पेशेंगोई ये थी कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक मुसलमान रियासत कायम होगी, और फिर यह भी कहा मैं मुतालबा करता हूं कि वो कायम हो। अलबत्ता इसमें बाज लोग जो हैं इस पर यह तनकीद करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने तो यह कहा था, आई वुड लाइक टू सी दी पंजाब, दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान एमलगमेटेड इन टू ए सिंगल स्टेट, सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, द फॉर्मेशन ऑफ ए कंसोलिडेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट अपीयर्स टू मी टू बी द फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स, एटलीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इस पर एतराज यह किया जाता है कि अल्लामा इकबाल ने तो हिंदुस्तान के अंदर बरतानिया के हुकूमत के अंदर के लिए तजवीज दी थी, लेकिन यह बात गलत है। असल में नोट यह कीजिए कि 1930 तक तो इसका कोई इम्कान ही नजर नहीं आता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा। तो उस वक्त के लिए उनकी तजवीज यह थी कि हिंदुस्तान में एक सूबा बना दिया जाए, यह आज का पाकिस्तान,
या यूं समझिए कि जो कुछ अरसे पहले वन यूनिट बना था, ब्रिटिश इंडिया में भी ये वन यूनिट की हैसियत से एक स्टेट बन जाए, ताकि इस इलाके में मुसलमानों के अंदर जो कुछ कौमियती, कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है, कुछ इन तरह की चीज़ें, ज़बानों का फ़र्क है, तो ये जो है मिलजुल कर इनके अंदर एक कौम का तसव्वुर जो है बाकायदा पैदा हो जाए। इसीलिए वो कहते हैं, आई डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ ए कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस्लाम। अब इसमें वो बात ये कहते हैं कि फॉर इस्लाम इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू रिड इटसेल्फ ऑफ द स्टैंप दैट अरेबियन इंपीरियलिज्म वाज फोर्स्ड टू गिव इट, टू मोबिलाइज इट्स लॉज, इट्स एजुकेशन, इट्स कल्चर एंड टू ब्रिंग देम इनटू क्लोजर कॉन्टेक्ट विद इट्स ओन ओरिजिनल स्पिरिट एंड विद द स्पिरिट ऑफ द मॉडर्न टाइम। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, एक तो यह कि डेस्टिनी है, होगा रहेगा, शिमाल मगरबी हिंद के अंदर एक मुसलमान रियासत कायम होकर रहेगी। अब यह प्रोफेसी भी थी, पेशन गोई, और यह भी कि मैं मुतालबा करता हूं, एक तजवीज भी थी, लेकिन उसका जो असल अंसर है, जो मेरे नजदीक जो इनकलाबी हिस्सा है, जहां तक हिंदुस्तान की जो तकसीम का मामला है, ये और भी बहुत से लोगों की तरफ से ये बातें आती रही थी। मेरे पास यहां पे 14 नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम का तस्करा किया, लेकिन जिस अंदाज में, जिस प्लेटफॉर्म पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन है और उसमें सदर की हैसियत से खुतबा दे रहा है एक शख्स, तो ये हैसियत जो है ये बहुत नुमाया, और उसमें जिस अंदाज में बात कही गई है, उसमें जो एक पॉजिटिव आंसर है, अगर ऐसा हो गया एक नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में मुसलमान रियासत कायम हो गई, तो हमें एक मौका मिल जाएगा कि अरब इंपीरियलिज्म, अब नोट कीजिए, अरब इंपीरियलिज्म से मुराद क्या है, अरबों का दौरे मुलुकियत, उससे पहला क्या था, खिलाफत, खिलाफत राशिदा असल इस्लाम, दौरे बनू उमैया तो असल इस्लाम नहीं था, हुकूमती सतह पर तो बिल्कुल इस्लाम नहीं था, वही दौर है जिसमें सानहा करबला हुआ है, वाकया हर्रा हुआ है, जुल्म की इंतहा हुई है, सैकड़ों ताबेईन को हज्जाज इब्न यूसुफ ने शहीद किया है, इसको हदीस के अंदर भी कहा गया है मुल्कन आज़म, काट खाने वाली मुलुकियत। उसके बाद जो है दौर आया है बनू अब्बास का, वो महल बने हैं शानदार, जो है जो भी बादशाहों के यहां होता था वो सारा का सारा मामला आया है। तो अब दुनिया इस्लाम को इनके आईने में देखती है, वो समझती है ये इस्लाम है, लिहाजा इसमें तो कोई शय ऐसी नहीं है जो अट्रैक्ट कर सके, जो किसी कौम को इस्लाम की तरफ जो है वो खींच सके। तो ये जो इंप्रेशन है जो कि इस दौरे मुल्क के अरब इंपीरियलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग और धब्बे आ गए हैं इन्हें हटाकर, वो जो इसकी ओरिजिनल प्योरिटी है, और जाहिर बात है कि दौरे मुलुकियत से पहले खिलाफत राशिदा, तो गोया कि इसमें अगरचे नाम खिलाफत राशिदा का नहीं लिया गया है, लेकिन यह है कि बात मुराद वही है। लेकिन और उसमें भी जो बड़ी हकीमाना बात है कि हम इसको ब्रिंग देम इनटू क्लोजर कॉन्टेक्ट विद इट्स ओल ओरिजिनल स्पिरिट, जो असल इस्लाम की असल रूह है, एंड विद द स्पिरिट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, इस जमाने के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक इज्तिहाद के दरवाजे को खोलकर, और हम एक ऐसा निजाम जो है वो यहां पर कायम करें। ये है वो चीज कि जिसने तहरीक मुस्लिम लीग के अंदर एक मुस्बत जज्बा, ये नोट कर लीजिए मेरे अल्फाज, 1906 से लेकर 1930 तक तहरीक मुस्लिम लीग सिर्फ एक मनफी मोटिव पर चल रही थी, मनफी, नेगेटिव, खौफ, हिंदू का खौफ, हिंदू दबा लेगा, हिंदू एक्सप्लॉइट करेगा, हिंदू माशी तौर पर भी, तहजीबी तौर पर भी, सकाफती तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी शुदी की तहरीक चल रही है, हमें रास्ता दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान छोड़ दो और भाग जाओ, चले जाओ, ये सारा खौफ का अंसर था, और इसमें तहफ्फुज़ात तलाश करने, कोई ऐसी यकीन दहानियां कि वो मुसलमानों के हालात बेहतर हो जाएं, इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं था, ये मनफी मोटिव था। और इसकी वजह साथ ही ये है कि मुस्लिम लीग उस वक्त तक कोई अवामी जमात थी ही नहीं, बल्कि कुछ खवास, जो ऊंचे लोग, नवाबों और नवाबजादों और इन ऐसे लोगों की जो है ये एक जमात थी। लेकिन 1937 में जो ये इंजेक्शन लगा है ये पॉजिटिव है। इसकी मिसाल मैं दिया करता हूं कि कोई मरीज पड़ा हुआ अपने बेड पर और ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है और एक ट्यूब चल रही है,
तो उसके अंदर ही कोई अब इंजेक्शन लगाना है तो उस ट्यूब में लगा देते हैं, ऐसा ना हो कि कोई और प्रिक देनी पड़े मरीज को और उसे तकलीफ हो। तो गोया के मुस्लिम लीग का जो भी वो एक निज़ाम था उसमें एक इंजेक्शन लगाया है अल्लामा इकबाल ने 1930 के खुतबे में। अगली बात, इसके बाद यही इंजेक्शन अल्लामा इकबाल ने लंदन में मिस्टर मोहम्मद अली जिना के जहन व फिक्र में लगाया है। उसका वाकया क्या है, तीन गोल मेज कॉन्फ्रेंसें हुई थी, पहली और दूसरी में मोहम्मद अली जिना भी शरीक थे, तीसरी 1932 में हुई, अब वो शरीक नहीं हुए इसलिए कि वो सियासत छोड़ चुके थे, वो तो सियासत को खैरबाद कहकर अब प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अल्लामा इकबाल उसमें गए थे, वहां मौका मिला, करीबी मुलाकातें हुई, गुफ्तगुएं हुई, और इन मुलाकातों के नतीजे में यही इंजेक्शन अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिना के जहन और फिक्र के अंदर लगाया है कि बात करो इस्लाम के इह्या की, वो चीज के जो मुसलमानों के जज्बात के अंदर गर्मी पैदा करे, हरारत पैदा करे। इस हवाले से ये जो इंजेक्शन लगाया गया है इसके इसी से फिर ये कि उनके मिजाज के अंदर एक तब्दीली आई। कुछ और लोगों ने भी उन्हें कहा हुआ था लेकिन यह कि खास तौर पर यह बात इकबाल की थी जिसकी अपनी एक हैसियत थी। बहरहाल 1934 में एम ए जिनाह वापस आ गए, फिर उन्हें मुस्लिम लीग का ताहयात सदर बना दिया गया, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को संभाला जरा, लेकिन 1936 के इलेक्शन जो आए यहां पर उसमें कांग्रेस पूरी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गई। अभी अभी मोहम्मद अली जिना को मौका मिला ही नहीं था कि अभी मुस्लिम लीग को संभाल सकते, और इन जो वजारतें बनी थी उस दौर में कांग्रेस की, उन्होंने जो सलूक मुसलमानों के साथ किया, जो मजालिम ढाए, जो उन्हें दबाया और उनके हकूक को पामाल किया, उससे वो नेगेटिव मन जो एक मोटिव था वो भी और तवी हो गया। और इसके बाद फिर मोहम्मद अली जिना ने 1937 से लेकर 1947 तक, एक लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आप घबरा ना जाए, 1937 से 1947 तक इस्लाम की कव्वाली गाई, पूरे 10 बरस इस्लाम 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 इस्लाम, हमें इस्लाम चाहिए, इस्लामी तहजीब हम चाहते हैं, इस्लामी कानून हम चाहते हैं, हमारे कवानीन और हैं, हमारा मजहब मजहब नहीं है वो दीन है, वो जिंदगी के तमाम मामलात पर। ये जो है मैं कव्वाली इसलिए कह रहा हूं कि कव्वाली में तकरार होती है, जिस तकरार के साथ ये अब इस मौके पर आकर मोहम्मद अली जिना कायदे आजम बन गए। मुसलमानों के दिलों की बात, इकबाल ने जो वलवला पैदा कर दिया था, एक वलवला ताजा दिया मैंने दिलों को लाहौर से ता खाके बखारा और समरकंद, वो जो वलवला था जो गलगला था, अब मोहम्मद अली जिना की जबान से जब वो बात आई है तो ये मुसलमानों के दिल की आवाज थी, उनकी रूह की पुकार थी। लिहाजा अब मुस्लिम लीग एक अवामी जमात बनी और मोहम्मद अली जिना अब कायद आजम करार पाए। अब इस मामले में मैं चाहता हूं जरा, क्योंकि ये बात नई सी होगी मेरे इस तज़िये के रूह से, नजरिया पाकिस्तान इस्लाम और इस्लाम का अहिया खिलाफत राशदा के मफहूम में, और इसका खालिक इकबाल है इसमें कोई शक नहीं, कायद आजम तक भी ये बात पहुंचाने वाला इकबाल है और फिर उसी पर कायद आजम ने अमल किया है। तो इस चीज को बहुत से लोग जो हैं आसानी के साथ तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि खुद कायद आजम ने अल्लामा इकबाल के बारे में जो कुछ कहा है उसकी दो कोटेशन आपके सामने रख दूं। कलकत्ता 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ। उस वक्त कलकत्ते में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था फिलिस्तीन के मसले पर गौर करने के लिए, कायद आजम उसके चीफ मुकर्रर थे। अब यह खबर पढ़िए, ए मेमथ पब्लिक मीटिंग of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem, but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. सर मोहम्मद इकबाल
वॉज अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स फिलोसोफर्स एंड सीयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल टाइम्स. नोट कीजिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स फिलोसोफर्स एंड सीयर्स, जिनको के मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत होती है, जिनकी निगाह गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, जिसके बिना पर आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और जमाने के ख्वाब. ये अल्लामा इकबाल ने जो कुछ देखा था इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में. ही टुक ए प्रोमिनेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री एंड इन द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर एंड थॉट ऑफ द वर्ल्ड विल लिव फॉर एवर. अब आखिरी जुमला सुनिए गौर से. टू मी ही वॉज ए पर्सनल फ्रेंड नंबर वन, फिलोसोफर नंबर टू, एंड गाइड नंबर थ्री, एंड एज सच द मेन सोर्स ऑफ माई इंस्पिरेशन एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट. कोई शक इसके बाद रह जाता? और ये अल्फाज कौन कह रहा है? ये मोहम्मद अली जिन्ना है. लफाज आदमी नहीं है वो. वो कोई शोला बयान खतीब जो अल्फाज जो है उसके अब्बार लगा दे, नहीं. जो एक एक लफ्ज, वकील, बहुत बड़ा वकील, एक एक लफ्ज जो है तोल कर बोलने वाला. उन्हें क्या करार दिया? तो खुद तस्लीम किया. दूसरा मैं और दे रहा हूं. ये सन 40 में इकबाल डे मनाया गया था. अब इसमें क्या कहते हैं कायदे आजम? इफ आई लिव टू सी द आइडियल ऑफ ए मुस्लिम स्टेट बीइंग अचीव्ड इन इंडिया एंड आई वर देन ऑफर्ड टू मेक ए चॉइस बिटवीन द वर्क्स ऑफ इकबाल एंड द रूलरशिप ऑफ द मुस्लिम स्टेट, आई वुड प्रेफर द फॉर्मर. अगर हम कामयाब हो जाते हैं कि इस्लामी रियासत कायम करने में, मुसलमान रियासत कायम करने में, और उसके बाद मेरे सामने चॉइस रखा जाता है कि या तो अल्लामा इकबाल का कलाम ले लो और या हुकूमत के सरबरा बन जाओ, तो मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को तरजीह दूंगा. और सुनिए. कंटिन्यूइंग मिस्टर जिन्ना सेड दैट इन अप्रैल 1936 ही थॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मुस्लिम लीग विच वॉज देन ओनली एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन टू ए पार्लियामेंट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया. फ्रॉम दैट टाइम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ He continued, Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. Ab iske baad jo hai, Nazariya-e-Pakistan kya tha aur uska khaliq kaun tha, isko achhi tarah samajh liye.